मुंबई के नोकन ट्रेन में आप सभी का आज यहां पर स्वागत है। इसी बीच रेलवे अधिकारी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही सभी आम जनता के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही है कि 10 से 15 जुलाई के अंदर सभी आम जनता को नोकन ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति दी जाएगी। इसी बीच सभी मंत्रियों की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय राजेश टोपे जी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिनका पहला डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति दी जाए। हालांकि सभी मंत्रियों का कहना है कि सभी आम जनता अपना जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाए, उसके बाद ही उनको लोकल ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति मिलेगी। बीएमसी कमिश्नर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि अब देखा जाए तो कोरोना वायरस के आंकड़ों में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ डेल्टा प्लस और डेमडा जैसी भी बीमारियां फैलते हुए देखने को मिल रही है। अब सरकार की थोड़ी सी और चिंताएं बढ़ गई सभी बीमारियों को लेके। हालांकि सभी मंत्रियों ने सरकार से मांग की है कि उनके कर्मचारियों को नोकन ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति दी जाए, जिनका पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो गया एटलीस्ट उनको नोकन ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति दी जाए जल्द से जल्द। इसी बीच लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही कि कुछ आम जनता को 10 से 15 जुलाई के भीतर राहत दिया जाएगा। उनके लिए दो शिफ्ट रखा जाएगा, एक तो 11 से 3 बजे का और रात के 8 बजे से जब तक लास्ट ट्रेन चलेगी तब तक। लोकल ट्रेन से मुझे कोई और भी अपडेट मिलेगा तो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।